हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी वीडियो में मैं लेके आई हूँ स्लाइस केक, टूटी फ्रूटी स्लाइस केक, जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मैंने इसको आप इस वीडियो में ये भी बताया कि इसको आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, कितने दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा जालीदार और बढ़िया बेक हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारे इंग्रेडिएंट मेजर करके लेने वाली हूँ। और घी मैंने लिया है 100 ग्राम। आप इसके बदले चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी। अब इसमें मैं मिलाऊंगी कंडेंस मिल्क 150 ग्राम, और इन दोनों आइटम को हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, आप हैंड बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूंगी 60 ग्राम दही। दही आपकी रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, फ्रिज की ठंडी नहीं, और घर की फ्रेश दही भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा दही भी मिक्स हो चुका है, और अब आप देखेंगे इसका कलर जो है वो लाइट हो गया और ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में हो गया है। नेक्स्ट इसमें अब हम ऐड करेंगे मैदा। तो नेक्स्ट इसमें ऐड करने के लिए पहले हम मैदा मेजर कर लेंगे। मैदा हमें चाहिए 200 ग्राम। तो ये ज़्यादा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगी। मैदे में ही हम मिलाएंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप कभी भी बेकिंग पाउडर के बराबर या उससे ज़्यादा ना डालें, उससे आपके केक का टेस्ट खारा हो सकता है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ मैदे के साथ। अब जो हमारे कंडेंस मिल्क और दही घी वाला बैटर है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा मिलाएंगे। और हाफ कप यहाँ मैंने दूध लिया हुआ है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, और थोड़ा थोड़ा सा दूध मिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल लम्स ना पड़े इसलिए मैं थोड़े थोड़े से बैच में इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये हमारा थर्ड बैच भी इसमें गया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड व्हिस्क से भी मिक्स कर सकते हैं और स्पून से भी। तो ये देखिए यहाँ पे जो बैटर है हमारा वो थोड़ा सा गाढ़ा है,
तो सबसे पहले इसमें मैं मिलाऊंगी एसेंस। आप पाइनएप्पल वेनिला जिस एसेंस जिस फ्लेवर का बनाना चाहते हैं मिला सकते हैं। हाफ टीएसपी मैं इसमें मिला रही हूँ वेनिला एसेंस। और इसके साथ ही एक से डेढ़ चम्मच दूध, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए। तो ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है, हमें इस तरीके से ही ये रिबन जैसा गिरता हुआ चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने तीन कलर की टूटी फ्रूटी ली है, आप आपके पास एक कलर की हो आप एक डालें, जितनी कलर की आप उतनी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर बनके तैयार है और इसको मैं डालूँगी हमारे एक लोफ टिन में। ये हाफ के जी का लोफ टिन है, इसको मैंने घी से हर तरफ से ग्रीस कर लिया है। आपको उसमें कोई ज़रूरत नहीं है बेकिंग पेपर लगाने की, क्योंकि मैं जिस तरीके से इसे ग्रीस करके सेट करने वाली हूँ केक बनने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसमें हम छिड़केंगे थोड़ा सा मैदा। और इसको इस तरीके से टैप करके हर तरफ से डस्ट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसको आप एक बाउल में निकाल लें। और अब हमारे इस बैटर को हम डालेंगे इस लोफ टिन में। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम टूटी फ्रूटी इस तरीके से डाल देंगे जो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी। जब तक मेरा ये बैटर रेडी हो रहा था 170 डिग्री पे मैंने 10 टू 15 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखा था। और यहाँ हमारा बैटर भी रेडी है और ओवन भी सेम। इसको अब मैं 170 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूँगी, पर आप अपने ओवन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा और टेम्परेचर कर सकते हैं। हो सकता है आपके ओवन में थोड़ा जल्दी पक जाए। तो इसको अब मैं दिखाती हूँ बेक होने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स 35 मिनट में बहुत ही अच्छे से मेरा ये स्लाइस केक बनके तैयार है और ये ठंडा हो चुका है इसलिए ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए आप किस तरीके से ये बेक हुआ है। मैं आपको इसे स्लाइस में कट करके भी दिखाती हूँ। जब पूरी तरीके से केक ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसका स्लाइस कट करें। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बेक हुआ है ये। और इस लोफ को आप 3 से 4 दिन एयरटाइट डब्बे में रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं।
ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो भी आप इसको घर से बना के ले जा सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुआ है, एकदम जालीदार। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।